नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। अपने जिले की खबरें जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक करें। आज की पहली खबर है कि सरकार ने 10 दिन के लिए तबादलों से रोक हटाई। तबादलों पर लगे रोक को हटने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी करके 10 दिन के लिए तबादलों से बैन हटाया है। अब सभी विभाग, निगम, बोर्डों में अपनी जरूरत के अनुसार कर्मचारियों के तबादले 10 से 20 फरवरी के बीच किए जा सकेंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग से जारी आदेश के अनुसार पिछले साल 15 जनवरी से प्रदेश के सभी विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग पर बैन लगा दिया था। पहले सीएम के सलाहकार फिर बने ओएसडी सोशल मीडिया जयपुर। कार्मिक विभाग ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर धनराज सोलंकी को मुख्यमंत्री का मीडिया सलाहकार बनाए जाने का आदेश जारी किया। सरकार के खिलाफ धरना दे रहे युवा मित्र की हुई मौत। राजस्थान सरकार के खिलाफ राजीव गांधी युवा मित्रों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 27 दिनों से जयपुर में फिर नौकरी की मांग को लेकर धरना दे रहे दौसा के राजकुमार गुप्ता की मौत हो गई। जाट समाज को केंद्र सरकार से वार्ता का इंतजार। भरतपुर धौलपुर जिले के जाटों को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर महापड़ाव 23वें दिन भी जारी है। राज्य सरकार से जाट समाज की कमेटी की वार्ता होने के बाद 7 फरवरी को होने वाला चक्का जाम स्थगित कर दिया गया था। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से वार्ता के लिए 3 दिन का समय मांगा था। जल्द ही जाट समाज की कमेटी दिल्ली के लिए रवाना हो सकती है। जयपुर मेट्रो के दूसरे रूट में जुड़ेंगे नए स्टेशन। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जयपुर मेट्रो फेज 2 में बड़ा बदलाव किया है। अब तक सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक प्रस्तावित मेट्रो को विद्याधर नगर तक चलाने की घोषणा की है। इसकी घोषणा गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने की। अंतरिम बजट पेश करते समय दिया कुमारी ने जयपुर में प्रस्तावित मेट्रो फेज 2 के नए रूट की DPR तैयार करने के निर्देश दिए। 11वीं का डमी कैंडिडेट दे रहा था फर्स्ट ईयर एग्जाम। बांसवाड़ा के वागड़ महाविद्यालय के बगड़ी परीक्षा सेंटर पर गुरुवार को प्रतियोगी परीक्षा देते एक डमी कैंडिडेट पकड़ा गया। यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर की एग्जाम में डमी कैंडिडेट 11वीं का विद्यार्थी था। कृषि के लिए बजट का सिर्फ 3% हिस्सा। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने प्रदेश के अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजस्थान की जीवन रेखा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की संपूर्ण लागत का प्रावधान बजट में नहीं करना राज्य की जनता की आशा और अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं है। विधायक बाल मुकुंद आचार्य रात में थाने पहुंचे। राजस्थान में BJP सरकार के गठन के बाद से हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य लगातार एक्टिव हैं। अब जयपुर में हो रही पुलिसिंग की जांच करने थाने पहुंच गए। रात 12 से 3 बजे तक अलग अलग थाना क्षेत्र में पहुंचे, पुलिस कर्मचारियों से जानकारी ली। राजस्थान के हॉस्पिटल कितने साफ, सरकार ने जारी की रैंक। देश भर के शहरों की स्वच्छता रैंकिंग के बाद राजस्थान के हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस बार सरकारी हॉस्पिटलों की स्वच्छता रैंकिंग भी जारी की है। इस रिपोर्ट में पाली जिले के देसुरी ब्लॉक की घानेराव CHC 86 अंकों के साथ पहले नंबर पर रहा है। जयपुर की कोट खावदा और झुंझुनू के जाखल की CHC ने दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं जोधपुर के मंडोर ब्लॉक की डांगियावास PHC 6 अंकों के साथ सफाई के मामले में सबसे फिसड्डी रही। लव मैरिज करने वाले कपल की सुरक्षा करेगी राजस्थान पुलिस। राजस्थान में लव मैरिज स्वेच्छा से शादी करने वाले बालिग युवक युवतियों की सुरक्षा और मदद के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कपल सुरक्षा व मदद के लिए नोडल अधिकारी से कांटेक्ट कर सकते हैं। वेतन, एरियर, बोनस, पेंशन और GPF भुगतान महीनों से अटके। प्रदेश की नई भजनलाल सरकार से कर्मचारी अपने बकाया वेतन और अन्य भुगतानों की गुहार लगा रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी महासंघ ने अब वेतन, सरेंडर, एरियर, बोनस, पेंशन, GPF, SI के बकाया भुगतानों को क्लियर करवाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल का दरवाजा खटखटाया है। रीट पेपर लीक में शिक्षा संकुल पहुंची SIT। रीट पेपर लीक मामले में जांच के लिए SOG की SIT बुधवार को शिक्षा संकुल पहुंची। टीम ने स्ट्रांग रूम में दस्तावेज खंगाले। SIT के एडिशनल SP बजरंग सिंह ने बताया कि जांच में कई कमियां रखी गई हैं। इन कमियों को देखते हुए टीम को दोबारा आना पड़ा। एक दिन में 10 डिग्री गिरा न्यूनतम तापमान। राजस्थान में एक बार फिर उत्तर से आने वाली बर्फीली हवा ने सर्दी बढ़ा दी। करीब 11 दिन बाद माउंट आबू में सर्दी से मैदानों में ओस की बूंदें जम गईं। हिल स्टेशन माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस गिरकर शून्य पर आ गया। दूसरे शहरों में भी तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरकर सिंगल डिजिट में आ, जिससे यहां सर्दी बढ़ गई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान इसी तरह का बना रहेगा, लेकिन 11-12 फरवरी से तापमान बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे दिन गर्म होने लगेंगे।
उदयपुर में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल, बिना रजिस्ट्रेशन के प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लिया। 4 महीने से ये संचालित भी हो रहा था। एक दिन पहले शिकायत पर CMHO शंकर बामनिया पहुंचे तो वहां निजी नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट मरीजों का इलाज करते मिले। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ अस्पताल में मौजूद नहीं था। मामला उदयपुर के जड़ाव नर्सरी चौराहे पर संचालित जीवन ज्योति हॉस्पिटल है। नगर परिषद में जारी 93 के फर्जी पट्टों की जांच के लिए कलेक्टर ने बनाई कमेटी, प्रतापगढ़। प्रदेश में सरकार के बदलने और पूर्व मंत्री के पत्र के बाद प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा जहां लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया ने अब शहर में गत 3 वर्षों में जारी हुए 93 फर्जी पट्टों की जाँच के लिए एक कमेटी को तैयार कर दिया है। बारिश के बाद अब सर्दी का अटैक, IMD का अलर्ट। सर्दी के तेवर एक बार फिर तीखे हो रहे हैं। देश के उत्तर पूर्वी इलाकों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में भी विंड पैटर्न में बदलाव हो रहा है। इसके चलते उत्तर से आ रही सर्दी हवाओं ने प्रदेशवासियों को ठिठुरन महसूस कराई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन प्रदेश में तेज सर्दी का असर रहने का पूर्वानुमान है। गहलोत ने कसा तंज, बजट में मोदी की गारंटी की निकली हवा, गहलोत ने कहा। आज के लेखानुदान से राजस्थान की भाजपा सरकार ने मोदी की गारंटी की हवा निकाल दी है, क्योंकि मोदी जी ने चुनाव में राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतें गुजरात और UP जैसे पड़ोसी राज्यों के समान करने की गारंटी दी थी, पर आज लेखानुदान में इसका जिक्र तक नहीं किया गया है। यह दिखाता है कि मोदी की गारंटी पूरी तरह खोखली है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की खबरें। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।